देखो चाचा चाचा को भी यहाँ अच्छा लग रहा है, ऐसे सब सारी एज के ग्रुप को ये अच्छा लगता है यहाँ पे। पकड़ो सामान है हमारे साथ में, आज कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करने वाले हैं हम, कुछ नया जुगाड़। लेकिन देखते हैं सिर्फ कितनी देर एडवेंचर एक्टिविटी करने देता है, क्योंकि अभी सुला है भारती ने उसको। और चाचा के खेत के धनिया बहुत अच्छे हैं, जो कि हमारा खेत के अभी, लेकिन धनिया अच्छे निकले इसमें। ये है बखाई इमली, जो खाने में बहुत अच्छी होती है। तो अभी हमें यहाँ पे झूला और कुछ सब कुछ सेट करना है, तो इसके लिए गीगन बोल रहा है कि मैं जाता हूँ ऊपर सबसे पहले और वहाँ पे बांध के आता हूँ। गीगन कल है बैठ, आप ध्यान से हाँ जा, ऐसे पेड़ों पे ऊपर क्लाइंबिंग करने में बहुत मजा आता है और बहुत किया है। खरोचे भी आती है वैसे, हाँ बॉडी के ऊपर, लेकिन एक हाथ भी कहीं एक डाल पे लग जाए ना तो फिर गिरते नहीं हम, क्योंकि हम यूज्ड टू है। अभी आने वाली जनरेशन को इसका यूज्ड टू करना बाकी है, हम हाँ, मतलब हमारी जनरेशन के सारे लोग बॉडी यूज्ड टू होती है, बाद में ये कर सकते हैं। और जिस ट्री को हम रोज ऐसे करते ना, वो ट्री भी हमारा मतलब एक एक उसके पत्ते पत्ते से हम वाकिफ होते हैं कि कहाँ पेड़ रखना है, कहाँ पे कितना वजन झेलेगा। फिर भी जब हम बच्चे होते हैं तब तो गिरते कब कब होता नहीं है, तो कभी कभार गिर भी जाते, लेकिन बच्चों को ज्यादातर बड़ी इंजरी नहीं होती। अभी ध्यान रखना गीगन। अब गीगन को देखो, ओम देखो, जैसे गीगन गया है वैसे तुमको सीखना है ऊपर जाना, ठीक है? वहां पे है गीगन। अभी वहां से प्रो निकाला है। यस गुड, ऐसे ही लटकना होता है। यस ओके, अभी यहाँ से ये रस्सी जाने देते हैं वहां पर जहाँ पे गीगन है, और फिर बांधते हैं लंबा वाला झूला। अभी ना ये ब्रांचेस जो डालियां है वो बहुत ज्यादा है, तो इतना लंबा जाएगा आई थिंक, देखते हैं अभी। ओ पकड़ो, आ गया गुड। गीगन भी आई थिंक इतने टाइम से ऐसे बड़े पेड़ पे नहीं लटकाया। इस साइड टाई हो गया, अभी दूसरी साइड बाकी है। जो सूखे हुए ना वो ऐसे ही गिर जाते हैं, बाकी जो ये तो यहाँ पे चूल्हा बनाया हुआ है चाचा ने, मतलब कि ये पत्थर रख दिए साथ में। और अभी ओम क्या कर रहा है, ये स्टिक्स सूखी हुई कलेक्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं। चाचा आया है यहाँ पे, यस। ऐसे करना होता है, हम कहीं जंगल में होते हैं तो ऐसा कुछ करके चाय बना सकते, खाना बना सकते, कुछ भी कुक कर सकते। जंगल में चाय? जंगल में चाय? ये जो चाय पीते हैं वो पी सकते हैं ना ऐसे? पहले पीते थे चाय? हाँ पहले, पता नहीं पहले नहीं पीते। देखो चाचा चाचा को भी यहाँ अच्छा लग रहा है, ऐसे सब सारी एज के ग्रुप को ये अच्छा लगता है यहाँ पे। जो ये ब्रांचेस है एक्स्ट्रा, इसको साइड में टाई कर देते हैं। तो इसमें ऐसे भी झूला हो सकता है, और ये एक स्पेशल इसको बनाते हैं, मतलब कि छोटे बच्चे बेबीज को भी इसमें सुला सकते हैं। तो शिव आएगा तो शिव को भी इसमें सुलाएंगे। तो फाइनली हमने ये बना दिया है ऐसे,
परफेक्ट बैठने के लिए भी। और बैठ जाओ और फिर हाईएस्ट झूला झूलते हैं, ठीक है? हाँ, अच्छे से बैठ जाओ कंफर्टेबली। रेडी? यस। रेडी टू गो? अभी धीरे धीरे ओम को ये देसी झूले की टेक्निक क्या होती है वो पता चलेगी। जब आगे जाते हैं तब पूरा बॉडी पीछे सो जाता है ऐसे, और पैर आगे करने होते तो ऐसे ऑटोमेटिक चलता रहता है झूला, ठीक है? बीच बीच में कभी कभी पैर टच करना होता है जमीन से ताकि ये ऐसे ही चलता रहे। हाँ, लेंथ जितनी लंबी होती है उतना मतलब ज्यादा जाता है। अच्छा अच्छा बन गया ना ये, काफी अच्छा बन गया। हाँ, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हेलो ओम ने आई थिंक इतना लंबा लाइफ में पहली बार ये झूला ट्राई कर रहा है। हाँ, मन हो रहा है ना ऐसे कि जब ओम अभी उतरे तो फिर हम बैठ सकते हैं। ये बात वो नहीं करेंगे। इंदौर वाले तो नगल गोली भी बहुत नाचते हैं। वो ये सच्चा एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना। वो ऊपर नहीं आने का हमारे। स्पेशल एक्सपीरियंस करवा रहा है लॉन्गेस्ट झूला का। ये ऊपर देखो मजा आएगा, जब पीछे जाए तो ऊपर देखना। वो ये क्या बोल रहे मैं ऐसे टेढ़ा क्यों जा रहा हूँ? ओके, तो अभी यहाँ पे गीगन ट्राई कर रहा है। गीगन के पैर बहुत लंबे, गीगन बहुत नीचे मत हो ना वहाँ पे पीछे। वो गीगन जो है उस मत जाए, जो इंच करो इंच जमा करवा दो। ये साइड में कुछ लकड़ियों जैसा लगा देते ऐसे, या बेलन लगा देते थे, तो फिर यहाँ पे बच्चे भी जैसे सिंह भी सो सकते, बच्चे को सुला सकते। अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो सिंह को लेके आएंगे। ओम चेक योर। अभी मैं जा रही हूँ घर पे क्योंकि शायद सिंह उठा होगा, तो अभी ये लोग आएंगे पीछे से, मैं जा रही हूँ। ओम को ये अच्छा लग रहा है, घर पे भी ऐसे लटकाता है। और ये चाचा के धनिया है यहाँ पे जो बहुत अच्छे। यहाँ पे सब खाना खा रहे, आपा को यहाँ पे चेंज किया, मीरा वहाँ पे खाना खा रही है, आपा यहाँ पे खा रही है।
तो यहाँ पे ऑलरेडी रोटला बन चुका है और लीलू बहन ने बना दिए। अभी आज ना प्लान है हमारा, पापा बोल रहे थे कल से तो कि थोड़े से पकोड़े जो बोलते हैं भजिया बनाने मेथी वाले, क्योंकि अभी हमारे यहाँ फ्रेश मेथी सब कुछ है, तो इसके लिए अभी थोड़ा सा देरी हो गई लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं गीगन की हेल्प लेके। तो अभी फ्रेश मेथी जो है हमारी, धनिया सब कुछ है, गार्लिक है यहाँ पे, उस साइड में धनिया एंड गाजर है, यहाँ पे ये है फ्रेश मेथी, तो वो लेके अभी भजिया बनाने हैं। ये मूली है, आपको दिखेगी साइज निकल के दिखाती हूँ, यहाँ पे है, भी सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं। अभी हमारे ये जो वेजिटेबल्स है इसमें बहुत सारा बैंगन भी लगे बहुत ज़्यादा, पालक भी बहुत अच्छे से लगी है, अभी टमाटर भी जल्द ही रेडी हो जाएंगे। तो अभी बहुत ही क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बोले या भजिए बोले वो रेडी हो रहे हैं मेथी वाले। मैं और लीलू बहन अभी रेडी कर देंगे, मैं सब कुछ बाहर रेडी कर दूंगी, अगर इमरजेंसी में सी उठ गया तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन फिर सब खाना खा दे। ठीक है, क्लोज भी दिखा दो सबको, और हमने स्पेशल दही की चटनी भी बनाई है साथ में। ये तो नहीं खुला पाने तो हमें काट लो ठीक है नहीं। हाँ भाई मैं कर लूँगा। हाँ ये पसी बर के लिए आता है। फोन काट तो होगा जब भी घर पर भजी अपने जरा कड़ हेरा लगे मेथी वाला है इसलिए। तो अभी सब लोगों ने खा लिया है पकोड़े और सब कुछ, पकोड़े खा लिए मुझे और उनको ना वापस स्कूल में जाने का मन हो रहा है, और कहां जाने का मन हो रहा है नहीं पता, वो कि मन नहीं जाना है, और जाना है। और शिव यहाँ बहुत ही क्यूरियसली देख रहा है अपने हाथी भाई को, छोटे हाथी को, इन थोड़ा सा स्माइल भी कर रहा है देख के, शिव सोच रहा है कि क्या आवाज आ रही है। शिव अभी फिर अपने हाथ पांव मूव करेगा, चलो देखो देखो शिव का स्टार्ट हो गया, देखो अभी देखना हा? देखो देखो ये ऐसे करते थे तो, है ना, लग रहा है ना कि ओम ओम का भाई है, ओम को बड़ा कर रहे वापस से, ऐसा लग रहा है एक और ओम को बड़ा कर रहे देखना ऐसे ही करेगा अभी देखो। अभी ये ना मुझे रखना था इसका और नाम ओम ही रखना था मुझे, हाँ पहले डिसाइड किया था रामदेने की ओम ही रखना है नाम, फिर मतलब इसकी बुआ ने सबने मना किया कि नहीं दो ओम हो जाएंगे, थोड़ा सा आजकल क्योंकि रामदेव आजकल वीडियो एडिटिंग करता है तो शायद रामदेव को नोटिस हो रहा है, नहीं मुझे पहले से पता है थोड़ा सा क्या? उस दिन बोल रही है शिव को इंजेक्शन लगाने वाले थे ना वैक्सीन, तो मम्मी शिव को बोले कि तुम्हें थोड़ा सा इंजेक्शन लगेगा, मैंने कहा थोड़ा सा नहीं इंजेक्शन तो पूरा ही लगता है, मुझे ओम ने भी ऐसा ही किया था, मैंने बोला ओम थोड़ा सा वो पंखा चालू कर दो, ओम ने थोड़ा सा स्टार्ट करके बंद कर दिया, मम्मी तुमने बोला थोड़ा सा ही स्टार्ट करना है, थोड़ा सा देखो 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 वजन करना है आप लोगों को, कर लो। लाइक एक दिन मैंने ऐसे कहा था कि तुमने कहा था कि थोड़ा सा ही है, लाइक थोड़ा सा ही पंखा चालू करो, इसलिए मैं लाइक इसका मीनिंग वो इसका मीनिंग वो, हाँ तो थोड़ा सा स्टार्ट किया और बंद कर दिया, ओके बाय बाय बोल दो, सी यू, सबको बाय बाय बोल दो, यस yes.